असम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुई हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चल रहा है। कई देशों के मुस्लिम यूजर्स बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स हैशटैग के साथ भारत के बहिष्कार की बात करने लगे। ऐसा करने वाले ज्यादातर खाड़ी देश और पाकिस्तान से हैं। ये यूजर्स तस्वीरें और वीडियो शेयर कर ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में मुस्लिमों को हिंदू प्रताड़ित करते हैं। इसमें वो वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं जिनका कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं, यहाँ तक कि पीड़ित और आरोपी दोनों ही मुस्लिम हैं। और इस मामले का पर्दाफाश किया यूपी पुलिस ने। आप जिया खान नाम के यूजर द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें एक व्यक्ति को दूसरे लोग लाठी से पीटते नजर आ रहे हैं। जिया ने वीडियो भारत में मुस्लिमों पर हिंदुओं के अत्याचार को बताने के लिए ट्वीट किया। ये सच है कि ये वीडियो भारत का ही है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि इस वीडियो में जो पीट रहा है और जो पीट रहे हैं वो सब मुस्लिम ही हैं। आपको बता दें कि जिया ने जो वीडियो शेयर किया वो घटना जुलाई 2020 की है। ये वारदात उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में हुई थी। ये वीडियो प्रशांत शुक्ला नाम के पत्रकार ने भी शेयर की थी। ट्वीट का जवाब देते हुए सिद्धार्थनगर पुलिस ने साफ कर दिया कि घटना पीड़ित और आरोपी के बच्चों के बीच हुए झगड़े के कारण हुई थी। इसमें एजाज और उसके परिवार के लोगों को इस्तेखार, अनवर राजा, मोहम्मद कलीम और हलीम ने पीटा था। और इसके लिए पूरी तरह से सिद्धार्थनगर पुलिस ने एक नोटिस भी जारी किया कि इस तरह की भ्रामक और गलत तथ्यों के साथ खबरों का दुष्प्रचार न करें। बाद में प्रशांत शुक्ला ने एक और वीडियो शेयर किया था जिसमें पीड़ित एजाज उन लोगों का नाम ले रहा था जिन्होंने उस पर और उसके परिवार पर हमला किया था। उसका बयान इस बात की पुष्टि करता है कि उस पर मुस्लिमों ने ही हमले किए थे। गांव के किन किन लोगों ने मारा? गांव के किन लोगों ने मारा? चिरकू राजू और क्या नाम है, किस्मत अली और कलीम, सोनू और क्या नाम है उसका। तो आपके घर में किसको किसको चोटें आई? सब पांच आदमी, चार पांच आदमी। क्या क्या नाम है? आलिया औरत हमारी, जाहिदा वो हमारी बेटी है, बबलू वो हमारा लड़का है, फिर ताहिरा है मेरी बेटी है और मैं। चलिए ठीक। इससे साफ हो गया है कि मुस्लिम व्यक्ति को उसके बच्चों और आरोपियों के बीच हुए झगड़े के बाद चार मुस्लिमों ने पीटा था। इसमें हिंदू समाज किसी भी तरह से शामिल नहीं था। इस घटना का कोई सांप्रदायिक एंगल भी नहीं था। बावजूद इसके कट्टर इस्लामिस्ट इस घटना का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए कर रहे हैं। तो ये था इस भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का पूरा सच। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।